हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट मेंस एग्ज़ामिनेशन 2021 के बारे में कि जो ये आपका एसबीआई जे मेंस का एग्ज़ाम है ये कब तक हो सकता है और इसके प्री के रिज़ल्ट आने के चांसेस क्या हैं, इसकी डेट क्या हो सकती है, प्री का रिज़ल्ट कब आएगा और मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कुछ कि जो प्री का रिज़ल्ट है वो मेंस के 10 डेज़ बिफोर डिक्लेयर किया जाएगा। आपको ये बताया नहीं जाएगा कि प्री का रिज़ल्ट कब आने वाला है और मेंस की डेट क्या होगी। आपका जो एग्ज़ाम है वो जिस दिन रिज़ल्ट आएगा प्री का, उसी दिन आपके मेंस के एडमिट कार्ड आएंगे और उसके 10 दिन के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको एक नोटिस देखने को ज़रूर मिलेगा। वो नोटिस होगा जो 4 सेंटर्स पर एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनकी डेट्स क्या होगी। लेकिन जैसे ही इन 4 सेंटर्स पर एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, डायरेक्टली आपका जो रिज़ल्ट है वो सभी बच्चों का एक साथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके 10 दिन के बाद आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन भी ले लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल मेंस के लिए वेल प्रिपेयर रहें। अभी तो अगस्त में होने के चांसेस कम है, लेकिन अगस्त एंड में ये एग्ज़ाम एसबीआई कंडक्ट करा सकती है। लेकिन उससे पहले आपको जो ये 4-5 सेंटर्स पर एसबीआई का एग्ज़ाम बचा हुआ है उस पर आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा एसबीआई की साइट पर कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन उसके बाद हो सकता है एसबीआई कोई भी नोटिस ना दे और डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डिक्लेयर करे। तो आपको मेंस के लिए वेल प्रिपेयर रहना है। तो इसके मैं एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, आपके अगस्त 20 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा सकते हैं 20 अगस्त तक। उसके बाद क्या होगा, उसके आपको 10 से 15 दिन के बाद प्री का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा सभी बच्चों का और उसके 10 दिन के बाद आपका मेंस कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि जो मेंस है वो आपका मेंस सितंबर तक खिंच सकता है, यानी कि सितंबर में आपका मेंस हो सकता है। अगस्त एंड को ना लेके चलें तो सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मिड में आपका मेंस एसबीआई का हो सकता है। तो उसी हिसाब से आपको वेल प्रिपेयर रहना है। तो अभी तो आपका आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम होगा, तो उसकी तैयारी आप करते रहिए और उसके जो टफ़ क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, जिससे कि उसका बेनिफिट आपको एसबीआई जेए मेंस के एग्ज़ाम में भी मिल सके। और जीए को बिल्कुल मिस मत कीजिए और इंग्लिश की रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करिए, क्योंकि ये दो सेक्शन ही है जो आपको दूसरे स्टूडेंट्स से आगे निकलने में हेल्प करेंगे और आपका स्कोर इन्हांस करने में भी हेल्प करेंगे। सो यही मेरी इन्फॉर्मेशन थी। आप एग्ज़ाम को सितंबर 1st वीक में मानकर अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर उससे 10-15 दिन आगे बढ़ता है तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जब तक कि आप आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, आरआरबी क्लर्क का हो जाएगा, उसके बाद आप डेफिनेटली इन सारे मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।